नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज का बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है। वैसे तो कई लोग हिंदू राजनीति कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तीन घटनाओं पर गौर कर लीजिए। पहली घटना, महाराष्ट्र में बीजेपी कमजोर है, यह सबको पता है, लेकिन विपक्ष पिछले कई माह से एक भूचाल की चपेट में है। शरद पवार कहाँ विपक्ष को एकजुट करने के चक्कर में लगे हुए थे और कहाँ अब अपना घर ही बचाने में जुटे हुए हैं। और दूसरी घटना, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं। उन्होंने समूचे विपक्ष को एकजुट कर नरेंद्र मोदी को हराने की प्रतिज्ञा ली हुई है, लेकिन नौकरी के बदले जमीन केस में सीबीआई की ओर से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार अपनी सरकार और बिहार में अपनी राजनीति, अपनी पार्टी बचाने में ही जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 14 साल पुराने लैंड फॉर जॉब मामले में पूरा लालू परिवार फंस गया है। लालू यादव और राबड़ी देवी भी इस घोटाले में जांच के दायरे में है, जांच का सामना कर रहे हैं। मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी है। अब लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच में तनाव बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने 2017 वाली स्थिति एक बार फिर आकर खड़ी हो गई है। 2017 में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। लालू परिवार पर लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई और नीतीश कुमार पर लगातार इस्तीफे की दबाव के कारण आरजेडी से नाता तोड़ने की नौबत आ गई थी। उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़ लिया था और बीजेपी के पास चले गए थे। अब वो इस बार भी बीजेपी के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार बड़ी दूर तक चले गए हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन बिहार में हालात विस्फोटक हो रहे हैं, यह सच किसी से छिपा नहीं है और धमाका कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। अब तीसरी सिचुएशन पर आते हैं, कांग्रेस विपक्षी दलों की धुरी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। दो सिद्धि को निलंबित करने की राहुल गांधी की समीक्षा याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी कांग्रेस भी अपनी उलझनों में आने वाले समय में और अधिक उलझती हुई ही दिखेगी। ऐसे में विपक्ष एकजुट कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल है। अब विपक्षी दल 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मिलेंगे, लेकिन तब तक हो सकता है बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी कोई घटना हो जाए, बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा कोई कांड हो जाए। आप कुछ नामों पर ध्यान दीजिए। शरद पवार, वो अपनी पार्टी और अपनी राजनीति बचाने में जूझ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ एजेंडा सेट करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। नीतीश कुमार, वो अपनी पार्टी, अपनी सरकार और अपनी राजनीति बचाने में जुटे हुए हैं, उनको बीजेपी के खिलाफ एजेंडा सेट करने की फुर्सत कहाँ है। ममता बनर्जी, वो कांग्रेस से भयभीत है, बंगाल में बीजेपी से भी भयभीत है, बंगाल में बीजेपी की संभावित बढ़त से वो भयभीत है, यानी वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से भयभीत है। उनको बंगाल में अपनी राजनीति बचाने की चिंता है। 2024 के बाद दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा, इसको सोचने की उनके पास फुर्सत कहाँ है और चिंता कहाँ है। अरविंद केजरीवाल, वो किसी तरह से अपनी संभावित गिरफ्तारी को रोकने में लगे हुए हैं। वो विपक्ष के सामने दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ खड़े होने के लिए झोली फैलाकर खड़े हैं। वो कांग्रेस को भी अपना दुश्मन ही समझते हैं। यहाँ पर दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है, यह जो कहावत है यह यहाँ पर ठीक नहीं बैठती है। दुश्मन दुश्मन का दोस्त यहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ नहीं रही है। इसीलिए महंगाई और बेरोजगारी देश में है, लेकिन यह मुद्दा नहीं है। और जब कोई मुद्दा बनता हुआ नहीं दिखता है तो चुनाव जनता लड़ती है। यह चुनाव बीजेपी और विपक्ष के बीच नहीं होने वाला है, यह 2024 का चुनाव बीजेपी और जनता के बीच होने वाला है। जिन मुद्दों को विपक्ष मुद्दा नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो जमीनी हकीकत के तौर पर भी नहीं है। वो सब बातें हैं, वो मुद्दे हैं, जनता के बीच में है। अब देखना होगा, यह जो 2024 का चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता होना है, इसका फैसला जनता क्या सुनाने वाली है। इसके लिए थोड़ा सा तो इंतजार करना ही पड़ेगा। जनता के फैसले को समझ में आने में, सामने आने में वक्त तो लगेगा ही। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।